तो भाई लोग, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, एड्स इन रियलमी यूआई कलरोसिस कन्फर्म बाय रियलमी। मतलब रियलमी के जो डिवाइस है उन डिवाइस में आप लोगों को ऐड देखने को मिल रहा था, तो उसी ऐड के बारे में मैंने वीडियो बनाया था। और उसी ऐड के चक्कर में क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि रियलमी का ये जो आपका जो ये फ़ोन मैनेजर है, इस फ़ोन मैनेजर के अंदर आप लोगों को ऐड देखने को मिल रहा था। तो ऐसे आप रीस्कैनिंग कर रहे थे और रीस्कैनिंग करने के टाइम ऐसे ऐड आ रहा था। तो बहुत बार ऐड आते हैं, बहुत बार ऐड नहीं भी आते, तो ऐड से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। पर फिर भी लोगों का क्या है कि भाई ऐड तो नहीं चलेगा, हम ऐड पसंद नहीं करते। तो रियलमी हमारी बात का जो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, और उसी ध्यान के चलते उन्होंने एक परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया है, जिस परमानेंट सॉल्यूशन से हम ऐड को ब्लॉक कर पाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से आपको ऐड ब्लॉक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज में क्लिक कर रहा हूँ, हर वक्त ऐड नहीं आता, शायद इस बार भी नहीं आएगा, देखते हैं आता है कि नहीं। तो जैसे कि आपने देख लिया कि इस बार भी ऐड नहीं आया, पर ऐड आता है आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी Realme 2 डिवाइस में हूँ, तो Realme 2 डिवाइस में आप लोगों को यहाँ पे मैं अबाउट सेक्शन में दिखा देता हूँ, ये Realme 2 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये Realme 2 है और RMX 1805 इसका वर्जन नंबर है। तो RMX 1905 में क्या चल रहा है, क्या ऐड चल रहा है। अब ऐड को किस तरह से बंद करना है, सबसे पहले और एक चीज़ दिखाने लायक है जो कि है भाई सॉफ्टवेयर अपडेट। तो अगर आपके पास Realme 2, Realme C1 ये सब डिवाइस है, तो आपने शायद कुछ दिन पहले ही अपडेट किया हुआ है, जिस अपडेट का नाम है 11.8.63 RMX 1805EX 11.8.63। मतलब ये जो लेटेस्ट अपडेट है, जिस अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, और उसके साथ यहाँ पे January 2020 का सिक्योरिटी पैच मिला होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसी अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस अपडेट के लिए पहले तो कुछ भी दिया नहीं गया था, उसके बाद काफ़ी सारे फीचर्स को इंक्लूड करा गया था। तो उसी के बारे में हम अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर Realme 2 में आए हुए जो एड्स है, उस एड्स को आप परमानेंटली स्टॉप करना चाहते हो, तो आपको एक ऑप्शन Realme ने दे दिया है। सबसे पहले आपको Realme 2 डिवाइस में सेटिंग्स में आना है। तो मुझे जो लगता है अभी का जो सारे के सारे डिवाइस है उस डिवाइस में आ गए होंगे, पर स्पेशली Realme 2 एंड C1 में तो आए हैं, मुझे वो दिख रहे हैं, पर Realme X2 XT में नहीं आया है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, Realme 2 का एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, ध्यान से सुन लीजिए, Realme 2 में सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल सेटिंग्स आप देख पा रहे हैं, ये है एडिशनल सेटिंग्स, शायद आपने बहुत बार आया होगा। डेवलपर ऑप्शन से काम करने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा गेट रिकमेंडेशन, ये ऑप्शन पक्का आपके फोन में आ जाएगा अगर आपके पास 11.8.63 वाला अपडेट आ गया है। तो अगर आपके पास 11.8.63 अपडेट आ चुका है, तो उसको फिलहाल कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट है, उन्होंने चेंजेस लॉग में लिखा नहीं है, पर अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको OTG कनेक्शन के नीचे गेट रिकमेंडेशन नाम का ऑप्शन मिलता है, जिसको सिंपली आप टैप कर दीजिए, और टैप करने के साथ साथ रिसीव ऐप एंड कंटेंट रिकमेंडेशन इन सिस्टम ऐप सच एज डाउनलोड मैनेजमेंट। तो डाउनलोड मैनेजमेंट टाइप का एरिया में आपको वो दिया जाएगा, क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे। तो अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं इस तरह से जैसे मैंने ऑफ किया, तो आपके डिवाइस में ऐड जाना बंद हो जाएंगे। तो अगर आप ऐड आपको अच्छे नहीं लगते, बाय द वे रियलमी का ऐड्स इतनी बारीकी से नहीं आता, नॉर्मल टाइमिंग में आता है। तो अगर आपको ऐड्स पसंद नहीं है, तो बेसिकली आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको नॉर्मली गेट रिकमेंडेशन टाइम से सेटिंग से इसको ऑफ कर देना पड़ेगा, और आपके डिवाइस में जो ऐड है वो ऐड ऑफ हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, और आपको कोई भी ऐड फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे। तो भाई लोग, इस वीडियो में यही बताना था कि ये जो 11.8.63 अपडेट आया था, उस अपडेट में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ था। उसके अंदर एक बड़ा चेंजेस ये है कि गेट रिकमेंडेशन नाम का ऑप्शन, और जिस गेट रिकमेंडेशन ऑप्शन से आपको काफ़ी आसानी से ऐड को ब्लॉक करने का ऑप्शन मिल गया परमानेंटली। तो भाई लोग, अब बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको ये पहले से पता था। अगर पहले से पता था तो नीचे मुझे कमेंट में बताओ, अगर नहीं पता तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो देखने के लिए। सो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।